दोस्तों, मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हैं कार एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी है, 10 मिनट में कार चलाना सीखें, 15 मिनट में कार चलाना सीखें, 1 घंटे में कार चलाना सीखें, ऐसी कई सारी वीडियो इसमें डली हुई है यूट्यूब पे। ठीक है, उन्होंने डाल रखी है, आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको खुद पता होगा कि आप 1 घंटे में कार चलाना सीख सकते हो या 10 मिनट में कार चलाना सीख सकते हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नहीं सीख सकते हो। कम से कम आपको 2 या 3 महीने लगेंगे कार सीखने में, प्रॉपर कार सीखने में। देखो, चलाना तो किसी को भी आ जाएगा, बस क्लच दबाया और गियर मारा और चलती बनी, लेकिन आगे जाके आपको नुकसान होगा, किसी और को नुकसान होगा। इससे तो अच्छा है कि आप अच्छे से सीखो और फिर कार चलाओ आप। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा आज इस वीडियो में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप 10 मिनट में कार चलाना सीखना चाहते हो तो आप ये वीडियो ना देखें, और अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हो तो ही ये वीडियो देखें, वरना आप मत देखें ये वीडियो। तो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, आपने करना क्या है, जब भी आप कार में बैठते हो, जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील लॉक रहता है, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही लॉक हो जाता है, तो आप इसमें कभी भी हो, देखिए चाबी घुमाएंगे तो ये घूमेगी नहीं चाबी, ये क्योंकि आपका स्टीयरिंग लॉक है, स्टीयरिंग बिल्कुल लॉक है आपका। तो आपको करना है कि अपनी चाबी लगानी है, कुछ नहीं करना है, हल्का सा इसको प्रेस करना है, जिस साइड को प्रेस होता है ये देखिए हल्का सा घूमता ना ये, तो जैसे घूमे हल्का सा ये, एक सेकंड में कहाँ से कैमरा पकड़ लेता हूँ, जैसे घूमे हल्का सा आपको बस चाबी ऐसे घुमानी है, फिर फ्री छोड़ना ही, फिर आपका स्टीयरिंग फ्री हो जाएगा। दोस्तों, ये तो रहा आपका अगर स्टीयरिंग को अनलॉक करने का। तो जैसे आप दोस्तों, अगर आप पहली बार कार चलाना सीख रहे हो तो देखिए, ये रहा आपका क्लच, ये रहा आपका ब्रेक, ये रहा आपका एक्सीलेटर। क्लच हमेशा लेफ्ट वाले पांव से आपको दबाना है, एक्सीलेटर और ब्रेक आपको राइट पैर से काम करना है। दोस्तों, ये रहा आपका गियर। तो जैसे आपने अगर कार स्टार्ट करनी है तो आपको करना क्या है, अपने क्लच को दबाना है, और ये देखिए पहला गियर इस साइड को लगेगा, ये रहा आपके कार न्यूट्रल, पहला हल्का सा लेफ्ट को करा, फिर सामने पहला, फिर बस उसी के पीछे दूसरा, और जैसे आप इसको छोड़ देंगे तो अपनी जगह पे अपना भी आ जाएगा, तो ये सामने पुश करोगे तीसरा, बैक पुश करोगे तो चौथा, बाकी आपको पांचवे में जाने की जरूरत नहीं अभी, और बिल्कुल राइट करोगे फिर बैक करोगे तो ये बैक गियर आपका, यहाँ पे वैसे बना भी रहता है, आप इसको देख भी सकते हो। तो दोस्तों, चलो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते अभी गियर पे। तो जैसे दोस्तों आपने करना क्या है, जैसे आप पहला गियर मारते हो तो आपने धीरे 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 क्लच छोड़ना है, थोड़ा सा एक्सीलेटर देना, ज़्यादा मत देना, थोड़ा एक्सीलेटर नहीं भी दोगे आप तब भी आपकी कार चलेगी, धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे तब भी आपकी कार चलेगी, एक्सीलेटर नहीं भी दोगे तो। लेकिन आपको क्या करना है, धीरे से एक्सीलेटर देना और धीरे धीरे क्लच छोड़ना, जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी फिर उसको धीरे से फिर क्लच पूरा दबा के और ब्रेक लेना है, फिर न्यूट्रल करना अपनी कार को, न्यूट्रल करने के बाद आपको फिर रिवर्स गियर मारना है, फिर वैसे ही जैसे आपने आगे के लिए करा था ऐसे पीछे के लिए हल्का सा एक्सीलेटर देना, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, फिर धीरे धीरे बैक आएगी। बस दोस्तों, आपको यही प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 या 3 दिन आपको यही प्रैक्टिस करनी है, आगे चलो फिर पीछे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप लोग जैसे स्कूल से सीख के आते हो, 3,000 रुपये लेते हैं, 4,000 रुपये लेते हैं, 15 दिन सिखाते हैं आपको, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप अपनी कार में बैठोगे आपसे अपनी कार चलेगी नहीं, आपसे अपनी कार बार बार बंद होगी। मैंने भी खुद सीखा दोस्तों, तो उनसे तो यही होता है कि उनके पास भी एक क्लच ब्रेक एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, आपसे कार बंद नहीं होती है, सामने बैठे रहते हो तो आप अपनी कार चलाओगे तो आपसे अपनी कार बार बार बंद होगी। आप बोलोगे यार मैं तो 15 दिन सीख के आया हूँ, वहाँ तो मैं अच्छे से चला रहा था, और अभी क्या हो रहा है, ये 15 दिन ये अपनी कार चला रहा हूँ तो बार बार बंद हो रही। तो देखो दोस्तों, यही होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्लच को दबाइए, धीरे धीरे छोड़िए, एक्सीलेटर दीजिए, कार आपकी आगे बढ़ेगी, फिर रिवर्स करिए, ऐसे करते 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 2-3 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, गियर को डालने की कोशिश करें कि ताकि स्मूथली डल जाए, गियर की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े आपको,
तो दोस्तों बस आपको इतना ही करना अभी, और स्टेप बाय स्टेप आप मेरे को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको महीने डेढ़ महीने दो महीने के अंदर पूरी कार चलाना सिखा दूँगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सिखा दूँगा। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है कार के बारे में, कोई भी, आपको नई कार खरीदनी या बेचनी है, सेकंड हैंड कार अपनी, या खरीदनी कोई सेकंड हैंड कार, या आपको नई कार लेनी है, जो भी सवाल हो कार के बारे में, आपके कार में कोई मैकेनिकली प्रॉब्लम है, आपको अपनी कार की केयर कैसे करनी है, जो भी आपका सवाल हो आप मुझसे कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको भेजूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, देखो पसंद आने वाली तो कोई, मैंने अभी कुछ करा नहीं तो अभी स्टार्टिंग है आपके लिए, फिर भी आपको अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो डालूं तो वो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख पाओ। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।